हमने बात कर ली कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं और जी की वैल्यू क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, और हमने वी एस ई पी आर के पॉसिबिलिटीज भी देख लिया कि जो हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर और डिफरेंट रिपल्शन लॉन पेयर मैक्सिमम लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बाद उसके बाद बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होती है। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस हमने देख लिया कि ज्योमेट्री क्या चीज है, शेप क्या चीज है, ज्योमेट्री और चीज है, शेप और चीज है। ज्योमेट्री में हम लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं, शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं, लॉन पेयर को हम कंसिडर नहीं करते। लॉन पेयर को हम जो है हाइड करके बाकी जो है मॉलिक्यूल को देखते हैं उसकी शेप क्या होती है। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं डिटेल के साथ इसको। जी उसके बाद बॉन्ड पेयर, फिर हमारे पास लॉन पेयर, और उसके बाद हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, और अब बात करते हैं फिर हम शेप की, और एंड पे हम कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगर हमारे पास जी की वैल्यू हो टू, जी की वैल्यू हमारे पास हो टू और उसमें दोनों ही बॉन्ड पेयर और लॉन्ग पेयर हमारे पास जो है वो जीरो हो, जी की वैल्यू हमारे पास टू हो, दोनों बॉन्ड पेयर और लॉन्ग पेयर हमारे पास जीरो हो, तो ज्योमेट्री जो होती है हमारे पास वो होती है लीनियर, शेप भी हमारे पास वही होगी, शेप भी हमारे पास वो सेम होगी, और हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होगी एस की। जी की वैल्यू टू हो, वन लॉन्ग पेयर हो, वन बॉन्ड पेयर हो हमारे पास, वन बॉन्ड पेयर वन लॉन्ग पेयर, तो ज्योमेट्री हमारे पास वही रहेगी। अब इसकी ज्योमेट्री और शेप का वैसे भी कोई मसला नहीं है, एक बॉन्ड पेयर है हमारे पास, एक बॉन्ड है, किसी भी ओरिएंटेशन में अपने आप को अरेंज कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है वो sp है। अगर बात करें हम जी की वैल्यू थ्री की, तीनों ही बॉन्ड पेयर और लॉन्ड पेयर हमारे पास जीरो हो, तो हमारे पास जो है इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, ये हमारे पास ट्राइगोनल एंगल जो है हमारे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री, और ये एंगल भी हमारे पास 120 डिग्री होगा। ठीक हो गया, 120 डिग्री के एंगल हमारे पास। अब इसमें जो है क्योंकि हमारे पास लॉन पेयर कोई भी नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, तो इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगी, वो भी सेम होंगी, ये भी हमारे पास क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अब बात कर रहे हैं अगर हमारे पास जी की वैल्यू थ्री होती है, टू बॉन्ड पेयर होते हैं, वन लॉन पेयर हो, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, टू बॉन्ड पेयर वन लॉन पेयर हो, इस केस में हमारे पास क्या होगा। अब हमने बात की थी ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री बात करती है लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों की। अब ये हमारे पास है, यहाँ पे ये जो है बॉन्ड पेयर है और ये हमारे पास लॉन पेयर है, हम देखना तीनों को, तो तीनों को देखें तो हमारे पास ज्योमेट्री फिर वही आती है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ज्योमेट्री हमेशा सेम रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन शेप जो है वो, शेप में हम क्या देखते हैं, शेप में हम जो है सिर्फ देखते हैं बॉन्ड पेयर को, तो बॉन्ड पेयर को देखेंगे यहाँ पे, लॉन पेयर को हम हाइड करके, ये बॉन्ड पेयर हमारे पास एक, एक बॉन्ड पेयर हमारे पास ये है, ये हमारे पास लॉन पेयर है, इसको हाइड करेंगे तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या बनती है, बेंट शेप, या हमारे पास कहेंगे एंगुलर शेप, या हम इसको कहेंगे वी शेप, वी शेप, एंगुलर शेप या बेंट शेप, बेंट वी शेप या हमारे पास है एंगुलर, अगर नजर नहीं आता मैं आपको बताता हूँ, वी शेप्ड, बेंट शेप और एंगुलर शेप। और इसमें यहाँ पे हमारे पास पहले भी एस पी टू और फिर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू है। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन लॉन पेयर ज्योमेट्री शेप, ये हमने चीजें जो है फाइंड आउट कर दी है। मॉलिक्यूल पहला ले लेते हैं एसओ थ्री, इसके हम जी की वैल्यू निकालते हैं हाफ, सेंट्रल मेटल आइटम हमारे पास जो है सल्फर है सिक्स प्लस, अब इसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कोई नहीं है, मोनो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई नहीं है, तो इस केस में हमारे पास है सिक्स ही रहेगा, सिक्स ओवर टू इज इक्वल टू थ्री, लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब
थ्री है तो थ्री के केस में हमारे पास जब थ्री हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है sp2, तो इसकी ज्योमेट्री जो है इक्वल टू शेप होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास है इसमें लोन पेयर जो है वो लोन पेयर इज इक्वल टू जीरो। जब लोन पेयर जीरो हो तो ज्योमेट्री और शेप जो है वो सेम ही होती है, तो इसकी ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर होगी। मैंने पहले भी बात की थी, हम यहाँ पे जो है सिर्फ हम जो है ज्योमेट्री और शेप्स की बात कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं। कहाँ पे डबल बॉन्ड आना है, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आना है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ ज्योमेट्री और शेप को बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे डबल आएगा, यहाँ पे भी डबल आएगा, यहाँ पे भी डबल आएगा, लेकिन हम उसको इग्नोर करके सिर्फ ज्योमेट्री और शेप पे फोकस रखेंगे। अब यहाँ पे जो है ज्योमेट्री हमारे पास है वो क्या आती है, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप और ज्योमेट्री हमारे पास क्या है वो दोनों सेम ही है, तो हमारे पास बॉन्ड एंगल जो होगा यहाँ पे हमारे पास 120, यहाँ पे भी 120 और यहाँ पे हमारे पास 120 ही होगा। ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड वाली कोर SO2 की। अब Z की वैल्यू निकालते हैं 6+, इस केस में हमारे पास मोनोमेर इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोई नहीं है, तो हमारे पास 6 = हमारे पास 3 आ जाएगा। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, 3 क्या है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब Z की वैल्यू हमारे पास 3 आती है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कितने अटैच है, 2 है, मींस कि यहाँ पे हमारे पास जो है लोन पेयर कितने बच गया, 1। लोन पेयर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लोन पेयर इज इक्वल टू जी माइनस बॉन्ड पेयर, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू 3 है, माइनस बॉन्ड पेयर 2 है, तो लोन पेयर इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाएगा। लोन पेयर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री जो है नॉट इक्वल टू शेप। अब ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री इसकी होगी हमारे पास वही, ज्योमेट्री इसकी वही होगी ट्राइगोनल प्लेनर। बोन एंगल्स का ये हमारे पास जो है ग्रेटर देन 120 हो जाएगा, ये भी ग्रेटर देन 120 हो जाएगा, ये लेस देन 120 हो जाएगा ड्यू टू दिस लोन पेयर। ठीक हो गया। आप बात करें इसके बाद शेप की, शेप में हम बात करते हैं सिर्फ बॉन्ड पेयर की, ज्योमेट्री में हम बात करते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए हमारे पास है ये लोन पेयर आ गया सल्फर और ये हमारे पास दोनों बॉन्ड पेयर आ गया। हमने देखना है आप सिर्फ बॉन्ड पेयर को, लोन पेयर को इग्नोर करके यहाँ पे हमारे पास इसकी शेप क्या आएगी, वही शेप आएगी इसकी बेंट शेप, एंगुलर शेप, या हमारे पास जो है इसकी वी शेप, बेंट, और थर्ड है एंगुलर शेप। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास है कि हाँ हमारे पास अगर जी की वैल्यू 2 आती है नो नॉन पेयर, तो हमारे पास उसकी ज्योमेट्री और शेप सेम होगी। अगर हमारे पास जी की वैल्यू 3 आती है और उसमें 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, तो हमारे पास उसकी जो ज्योमेट्री होगी ये आएगी। एक और मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, हमारे पास इसमें 3+3। अब इससे कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 है, 6 को 2 डिवाइड किया 3 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, तो वही sp2 आ गई। और इसमें ज्योमेट्री क्योंकि लोन पेयर हमारे पास है 0, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप होगी, तो ब्रोन फ्लोरीन यहाँ पे भी फ्लोरीन यहाँ पे भी फ्लोरीन। ज्योमेट्री इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। बॉन्ड एंगल वही 120 120, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 120 होगा। ठीक हो गया। तो ये हमने 3 क्वेश्चंस किए। अब इसमें हमारे पास लोन पेयर कोई नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन की क्या है sp2 और लोन पेयर 0, ज्योमेट्री हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर और शेप ही हमारे पास बनी जाती है। ठीक हो गया।